Say if certain injection is given to you and you can't feel your whole body. You can't feel your whole body, but still take a guess. Would you still know you are, or you too will just go minus? शरीर का पता ना चले किसको तुमको तो तुम तो रहोगे कि तुम भी खत्म हो जाओगे सोचिए कई बार ध्यान करते समय या योग निद्रा में कई लोग मुझे ये कहते वो जी लगता है जैसे शरीर से हम अलग ही हो गए शरीर मिल ही नहीं रहा फिर हम घबरा गए फिर हम डर गए फिर हमने आंखें खोल दी फिर हम उठ के बैठ गए अब ना हम योग निद्रा कर ही नहीं पाते मैंने कहा शरीर का पता नहीं चल रहा तो ये तो अच्छी बात ही है तुमको तुम्हारा पता चल रहा है ये भी बड़ी अच्छी बात हो रही है और शरीर तुम नहीं हो और उससे तुम अलग हो ये तुम्हें दिख रहा है ये तो और भी अच्छी बात हो गई इसमें डर की बात कहां से आ गई पर डर क्यों आया डर क्योंकि वो शरीर को मैं मानते और शरीर में है नहीं तो अगर शरीर का पता नहीं चल रहा तो ये अच्छी बात हुई कि बुरी हुई पर जिनको होती वो तो डर जाते शुद्ध चैतन्य दृग जब बुद्धि के द्वारा अपनी शक्ति से बुद्धि के द्वारा जब बाहर आया तो बुद्धि में आया चैतन्य अपना चैतन्य स्वरूप भूल गया और बुद्धि को मानने लगा मैं ये है अस्मिता अब यही अस्मिता मन से जुड़ी तो मन भी हो गया मैं और यही अस्मिता इंद्रियों से जुड़ी तो इंद्रियां भी हो गई मैं और यही अस्मिता शरीर से जुड़ी तो शरीर भी हो गया मैं तो अब आप क्या बोलते हो मैं बैठा हूं मैं देख रहा हूं मैं खा रहा हूं मैं सुन रहा हूं मैं पी रहा हूं मैं बड़ा दुखी हूं मैं बड़ा सुखी हूं मैं बड़ी चिंता में हूं मैं बड़ा शांत हूं शांत दुखी सुखी कौन होता है मन के हाथ के शरीर मन पर आप ये नहीं कहते कि मन दुखी सुखी होता है तुम बोलते हो मैं दुखी सुखी होता मैं बुढ़ा हो गया मैं जवान हूं मैं तो बच्चा हूं बूढ़ा जवान बच्चा कौन है तुम कहते हो मैं क्यों अस्मिता जुड़ गई देह से कहां से निकली है अस्मिता आई तो अपने से ही है यू समझे द रिफ्लेक्शन हैज बिकम द रियलिटी द इल्यूजन हैज बिकम रियलिटी प्रतिबिंबित चैतन्य जो बुद्धि में आया उसको हमने मान लिया मैं और फिर जुड़ गए मन से इंद्रियों से शरीर से और लगे इसको सुखी करने के चक्कर में पड़ गए शरीर को सुखी कैसे करें इंद्रियों को सुखी कैसे करें मन को सुखी कैसे करें अपना आप तो भूल ही गया समझ लग रही जो मैं कह रही हूं This topic is very subtle. This is more deeper than any science. So if you don't have a scientific aptitude, you will find it very difficult to understand what I'm saying. But I'm stating a fact. अब समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि समझ तो तुमने बांट रखी है विषय वासनाओं में समझ दे रखी है बच्चों में कहां लगी पड़ी अकल तुम्हारी सारी बेटे का भविष्य हो जाए
बेटी का भविष्य हो जाए, पैसा अच्छा हो जाए, सिक्योरिटी हो जाए, सब ठीक हो जाए। बुद्धि पूरी यहीं खर्च कर दी, धंधे में कर दी, बिजनेस में कर दी, अकल बची कोई नहीं, मैं किसको समझाऊं। मैं तो पिछले बार भी कह रही थी कि मुझे एक मीटर बनवाने की ज़रूरत है, जैसे थर्मामीटर होता है ना, मुंह में लगाओ शरीर का टेम्परेचर पता लगता है, तो एक इंटेलेक्टोमीटर बनाना पड़ेगा। आई पुट इट अंडर योर टंग एंड आई गेट टू नो हाउ मैनी डिग्री ऑफ इंटेलेक्ट यू हैव, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी टर्स एंड डिफिकल्ट, ओनली दोज हु हैव सम इंटेलेक्ट विल अंडरस्टैंड, रेस्ट विल जस्ट सिट लाइक दिस एंड समटाइम डू दिस एंड समटाइम नॉट डू दिस और सिट विद द ब्लैंक फेस। जिसके चित्त में अशुभ कर्म अधिक किए हों, उनका चित्त, उनकी बुद्धि बहुत कम काम करेगी। जस्ट लाइक यू आर ड्राइविंग योर कार एंड द मड, स्लीट, स्नो फॉल्स ऑन योर विंडस्क्रीन, नाउ यू कैन नॉट सी, सो यू हैव टू क्लियर योर विंडस्क्रीन टू ड्राइव सेफली, राइट? आपकी कार के शीशे पे कीचड़ गंदगी आके गिर जाए तो दिखेगा ही नहीं, तो चलाओगे कैसे? तो उसे साफ करनी पड़ेगी। ऐसे ही मन बुद्धि के शीशे पर विषय वासना, राग द्वेष, क्लेश, हाँ अभिनिवेश, सब तो कीचड़ गंदगी भरी पड़ी है, तो मेरा ज्ञान कहां से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसलिए ज्ञान को समझने के वास्ते अपने क्लेशों को तनु करो, मन को शांत करो, करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाली। समझना ना क्या है? अविद्या। समझ आना क्या है? विद्या। विद्या किसको मिलेगी? जिसका सात्विक चित्त है। अब मन को सात्विक कैसे बनाए? लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट सूत्र, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी। यू हैव टू गो बैक टू द सोर्स अगेन एंड अगेन। ओके, लेट मी पुट इट इन दिस वे, यू आर सिटिंग हियर नाइसली एंड सडनली यू हैव अ ग्रेट अर्ज टू गो टू पी, टू यूरिनेट, and you can't go out because I am here, door is closed. Will your attention be on my words or on your pee? Kahan dhyan hoga? Hindi mein koi ek number jana chahe, mane peshab karne jana chahe, to usko kehte lagu shanka, lagu mane choti, choti shanka. तो किसी को जोर से बाथरूम जाना हो, जोर से, अभी यहां मैं बैठी हूं, दरवाजा बंद है, सबके बीच उठ नहीं सकते, तो ध्यान मेरे सत्संग पर होगा कि कहीं लीकी ना हो जाए उस पर होगा? तो शंका मुक्त बैठना चाहिए ना। ऐसे ही अगर गुरु पर अगाध अनंत श्रद्धा नहीं है और गुरु पर है शंका, ज्ञान कभी समझ नहीं आएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। जो श्रद्धावान नहीं है उसको ज्ञान समझ नहीं आता है। श्रद्धा मतलब आई डोंट नो विच वे टू गो, बट ओ माई मास्टर आई विल फॉलो यू, वेयर एवर यू गो आई विल जस्ट फॉलो यू, दिस इज कॉल्ड जस्ट ब्लाइंड प्लंज।
मालूम नहीं कहाँ जाना, अंधे हैं, पता भी कोई नहीं, चलना भी है, तो फिर पूर्ण रूपेण गुरु पर अपने आप को छोड़ देना, इसे कहते हैं श्रद्धा। और इतनी गहरी श्रद्धा हो और मन में राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता विद्या तनु हो, कमजोर हो, तब ज्ञान समझ आता है। तो कितना काम है जो करने वाला है। तो मेरा सुझाव है कि आप को अगला विषय तो मैं अगले सूत्र जो है वो अगली सिटिंग में लूंगी, अभी थोड़ी सी सूचना देनी है और वो ये है, इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। तो जो मैं बोल रही हूं उसको आप कोशिश करें कर रहे हैं समझने की, पर कितनी समझ आई, इस समझ के ऊपर भी थोड़ी समझ लगानी पड़ेगी। तो बोलो कम, हो सके तो अगले 6 दिन मौन हो जाइए, टोटल साइलेंस इफ पॉसिबल। जो मैंने बोला है उसका मनन करिए। दूसरा, जितना समय अधिक आप प्राणायाम करें, ओंकार की ध्वनि करें, जिससे मन शांत होगा, मन सात्विक होगा, तो फिर अगले सिटिंग में जब मैं बोलूंगी तो आपको समझने में सहायता हो जाएगी। So try not to speak, observe silence and do as much Nadi Shodhan Pranayam, as much as you can do. Sit quiet, contemplate more. Prepare yourself for next session. मेरी दिक्कत यह है कि मेरे सामने जो श्लोक है मैं तो उसी का अर्थ बताऊंगी ना, मैं उसको कितना आसान कर सकती हूँ मैं उतना आसान कर दूंगी, लेकिन फिर भी अगर समझ ना पड़े तो यह जानना बुद्धि शुद्ध नहीं है, मन शांत नहीं है। चित्त में कोई क्लेश है जो बड़े उदार है, अब चित्त में क्लेश हैं तो हैं तो उसको तो ठीक ही करना है ना। और कैसे होगा? अभ्यास वैराग्य अभ्याम, जितना अभ्यास करेंगे जितना वैराग्य, वैराग्य मतलब मन न जोड़े किसी के साथ, जहां जुड़ेगा ना वहीं मार पड़ेगी, जोड़ के देखा ही है तुमने और भुगतते भी हो, पर अविद्या है ना, इसलिए दुख वाली वस्तुओं को भी सुख वाला मानते हो, इसलिए उसी में जुड़े रहते हो। क्यों? अब इसका जवाब तुम्हें भी मालूम है। क्यों? अविद्या। क्यों? अस्मिता। क्यों? राग द्वेष और अभिनिवेश। क्यों? क्योंकि तपस्या और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की बड़ी कमी है। कितनी तपस्या करे, हाँ कितना स्वाध्याय करे, पर कहे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, अब मरेगा तू फिर से। सब करो पर सब करके क्रेडिट किसको दो? ईश्वर को। मत कहो मैं, मत कहो मैं, मैं नहीं तुम, मैं नहीं आप। व्यवहार में भी करके देख लो ना, कुर्सी एक है, बैठने वाले 3 हैं, 3 बंदे हैं, तीनों बैठना चाहते, जो भोगी है वो कहेगा मैं ही बैठूं, किसी को ना भोग कर जाऊं, बैठ जाऊं फट से। जो साधक है वो क्या कहेगा? आप बैठिए हम खड़े रह लेंगे। खाने की वस्तु, पीने की वस्तु, भोग की वस्तु कुछ भी सामने आए, राजसिक व्यक्ति क्या करेगा? उडल पुडल हो, गिर पड़ के सबसे पहले मुझे मिल जाए। आखिर में एक छोटी सी बात सुनाती हूं।
एक बार एक जगह में हम बैठे थे जहाँ सबको भोजन खा रहे थे, मेरा हो चुका था, मैं वहीं बैठी देख रही थी। तो वो क्या, एक जगह में वो मीठा मिल रहा था तो सब लोग ले रहे थे अपना। अब जो मीठा लिया प्लेट में तो इतना अच्छा लग रहा है ना, उसी को देखते देखते सीधे चले, सामने शीशा है, नज़र ही नहीं आया, चार टक्कर मारी उसमें, प्लेट गिर गई, खीर गिर गई। तो मैं क्या हुआ, इतने में क्या देखती हूँ, दूसरा भी वहीं, तीसरा भी वहीं। दे आर नॉट ब्लाइंड बट दे गॉट सो ऑब्सेस्ड विद दैट डिजर्ट इन देयर हैंड्स, दे आर लुकिंग इन टू इट, salivating, oh my god, I'm going to enjoy so much, and they walk straight into the glass and their first reaction was, kisi ne dekha to nahi. Ab kya unko dikhai nahi deta, deta hai, fir dikha kyun nahi, to beech mein kheer aa gayi na. ऐसे ही मेरा ज्ञान समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि बीच में कोई ना कोई सामान तुम्हारे मन में जो पड़े हैं ना वो आ जाते। सो जब बैठो सुनने के लिए तो मन खाली करके बैठो। जहां जूता चप्पल उतारते हो ना, वहां घर के राग द्वेष, लड़ाइयां, प्यार मोहब्बतें सब वहीं छोड़ के आना चाहिए। मन एकदम खाली करके आओ, फिर जो मैं बोलूंगी वो समझ आएगा। पर मैं इतना जरूर कह दूं, विषय मुश्किल है, सो बड़े धीरज से सुनना होगा तुम्हें। और समझ ना भी आए तो भी धीरज कि अभी बुद्धि थोड़ी गड़बड़ है, इसे ठीक करेंगे, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड इन एनी केस इस ज्ञान का संस्कार तो आ ही रहा है ना, तो अभिमान नहीं करना। समझ आ जाए तो, और नहीं समझ आए तो दुखी नहीं होना। क्या करना, मन खाली रखना, अस्मिता रहित रहना। बी ओपन हार्टेड, बी हम्बल, बी प्योर हार्टेड एंड लिसन एंड डोंट अलाउ योर माइंड टू क्रिएट एनी मेस। देन स्लोली gradually you'll be able to walk on the path. Dheere, 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 badi dheeraj ki jarurat hai isme. Ek hi baar suno aur ek hi baar samajh lo, agar aisa ho jaye to tum to bade hi shreshth sadhak ho. पर बुद्धि से समझना भी काफी ना होगा, उसका अनुभव होना चाहिए। और उसका अनुभव कहाँ होगा, समाधि अवस्था में। इसलिए समाधि तुम्हारा लक्ष्य है और होना चाहिए। समाधि तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि उसी अवस्था में विवेक की ख्याति उत्पन्न होती है। अभी के लिए इतना ही, शेष कल को करेंगे।